तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुट बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। सजग संतरी से बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। बीच दरबार अपना सजाएं। जनता सारी सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया के खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने के आभार धरती गगन मिल के गाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुट बीच दरबार अपना सजाए।
मैं आत्मा इस देह का मालिक विदेही हूं। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। आज मेरे सामने मेरे सभी कर्मेंद्रियों की दरबार लगी हुई है। देखे अपने कर्मचारियों को, मैं मस्तक सिंहासन पर विराजमान राजा, और मेरे सामने सभी कर्मेंद्रियां हाथ जोड़कर खड़ी है। मेरा मन मंत्री सबसे पहले मेरे सामने आता है, पूछे अपने मन मंत्री से, हे मेरे मंत्री, तूने आज पूरा दिन क्या किया? तुझे तो ऑर्डर मिला था मन मना भव का, क्या तूने उसको फॉलो किया? या तू आज भी भटका? सुने जवाब अपने मन मंत्री का, हे मेरे प्यारे मन, तू तो मेरा राइट हैंड है, तो तुझे अपनी ऑर्डर फॉलो करनी है। आपको ऑर्डर मिली है मन मना भाव की, लेकिन कोई बात नहीं, आज जो हुआ सो हुआ, अब आगे के लिए अटेंशन रखना। अब बुलाए अपने बुद्धि को, हे मेरी प्यारी बुद्धि, आज तूने क्या किया? क्या आज बुद्धि में शिव बाबा की एक याद समाई थी, या कोई देहधारी भी याद आया? सुने बुद्धि का जवाब, हे मेरी प्यारी बुद्धि, तुझे ऑर्डर मिला है एक शिव बाबा दूसरा न कोई,
तो फिर भी पुरानी दुनिया याद क्यों आई? मेरी प्यारी बुद्धि, आपके निर्णय से ही तो सभी काम चलते हैं, इसलिए आगे से अटेंशन। मेरे संस्कारों, अब बताओ क्या आपका पुराना स्वरूप आज था, या आपने दैवी गुणों से सब कुछ कार्य किया? आपका स्वरूप हमेशा दैवी गुणों वाला ही चाहिए। मेरे संस्कार रूपी कर्मचारी हमेशा दैवी गुणों पर ही चलने चाहिए। मैं आज आपको ऑर्डर देता हूं कि आप ये कभी नहीं भूलना कि सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ये सब आपके ओरिजिनल रूप है। आपको इनके साथ ही चलना है। अब सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के बाद मेरी स्थूल कर्मेंद्रिया मेरे सामने हाजिर होती है। सबसे पहले आंखें, मैं आत्मा रूपी राजा अपने आंखों को देख रहा हूं। हे मेरी आंखें, तूने आज क्या किया? क्या तूने आज भी मुझे धोखा दिया? आपको काम दिया है, मस्तक में सिर्फ मणि को देखने का, फिर भी आपने देह रूपी सांप को क्यों देखा? हे मेरी आंखें, आपको सिर्फ उसी को देखना है जो दिखाई नहीं देता। और आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो भी देख रहे हो वो विनाश को पाना है। इसलिए आपको सिर्फ मस्तक में मणि को देखना है। अब बुलाए अपने सामने अपने मुख को। हे
हे मेरे मुख, आज तूने क्या किया? तुझे ऑर्डर मिला हुआ है, सिर्फ ज्ञान रत्न निकालने का। तो क्या आज तूने ज्ञान रत्न निकाले या पत्थर निकाले? क्या आज तूने कोई व्यर्थ बातें की? या फिर किसी को दुख दिया? सुने समाचार अपने मुख के कर्मचारी का, मैं राजा बनकर सब समाचार सुन रहा हूं। हे मेरे कानों, आपका क्या समाचार है? क्या आपने ऐसी कोई बातें सुनी जो व्यर्थ थी या गलत थी? आपको ऑर्डर मिला हुआ है एक बाबा से ही सुनने का और एक बाबा का ही सुनने का। फिर भी आपने ऑर्डर क्यों नहीं माना? ऐसे क्या आकर्षण थी दुनियावी बातों में जो आप बाप को भूल गए? मैं आत्मा रूपी राजा पूरे दरबार को देख रहा हूं, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को अपने सम्मुख देख रहा हूं। अब मैं शिव बाबा को याद करता हूं और परमधाम से शिव बाबा मुझ आत्मा पर और मेरी सभी कर्मेंद्रियों पर शक्तिशाली किरणें बरसा रहा है। बाबा से निकली ये शक्तिशाली किरणें मेरे मन को सशक्त बना रही है। मेरे बुद्धि को स्वच्छ बना रही है। मेरे संस्कारों में दैवी गुणों की संस्कार इमर्ज कर रही है। मेरी सभी स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर मिला रही है।
शिव बाबा की ये शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को स्मृति दिला रही है कि मैं आत्मा राजा हूं, अपने कर्मेंद्रियों का अधिकारी हूं, अधीन नहीं। ये कर्मेंद्रिया मेरे ऑर्डर में चलती है, इसीलिए परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन उस वक्त क्या सोचना है कि मैं राजा डिसाइड करता हूं। पूरे दिन में मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है, इसका निर्णय भी मैं स्वयं लेता हूं। मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। अपने कर्मेंद्रियों का मालिक मैं आत्मा राजा हूं। और अपने कर्मचारियों से कर्म कराने के लिए अब मैं तैयार हूं। शिव बाबा से मिली हुई शक्ति की किरणों से मेरी सभी कर्मेंद्रियां मेरे सामने नतमस्तक हो परिवर्तन के लिए तैयार है। ओम शांति। Thank you.
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्म राज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो ना खाता अपना, पड़े जो वहां पछताना, पड़े जो वहां पछताना। ऐसा हो ना खाता अपना, पड़े जो वहां पछताना,
पड़े जो वहां पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मैं आत्मा प्रकृति आसन पर विराजमान अति सूक्ष्म सितारा, अपने कर्मों का हिसाब किताब देख रहा हूं। कितनी आत्माओं को मैंने दुख दिया, परेशान किया, और कितनी आत्माओं से मैंने दुख लिया। कितनी आत्माओं ने मुझे सहयोग दिया, कितनी आत्माओं को मैंने सहयोग दिया। अपने कर्मों की गुह्य गति, अपने हिसाब किताब को चेक करते हुए, इस देह से निकल चमकीले फरिश्ते वस्त्र को धारण कर उड़ चला हूं मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन की ओर। बादलों से पार, सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, एक अलग दुनिया में जहां चांद सी चांदनी है, शीतलता है, ये फरिश्तों की दुनिया, और सामने खड़े हैं बाप दादा। और मैं बाबा से पूछती हूँ, बाबा मैं तो नहीं जानती कि अनेकों जन्म किन किन आत्माओं को मैंने दुख दिया है और दुख लिया है, और मैं ये भी नहीं जानती कि आने वाले समय में कितनी और आत्माओं के साथ मेरा हिसाब किताब है। आज मुझे ये ज्ञान है कि किसी आत्मा का कोई दोष नहीं कि मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, जिसे आज मैं आपके साथ चुक्त करने आई हूं। और बाबा मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ ले चलते हैं मुझे ग्लोब के ऊपर।
फरिश्ते ग्लोब के ऊपर चमक रहे हैं। और इमर्ज करते हैं उन सभी आत्माओं को जिन्हें मैंने दुख दिया, परेशान किया, धोखा दिया, झूठ बोला। और देखते ही देखते आत्माओं की लाइन लग गई है, एक के बाद एक। क्रोधित आत्माएं, परेशान और नाराज आत्माएं मेरे सामने खड़ी हैं। और मैं इन सभी आत्माओं से क्षमा मांगता हूं कि मैं नहीं जानता था कि क्या सही है और क्या गलत, पर आज मुझे ये ज्ञान है कि ये मेरे ही कर्म थे, मेरा ही देहभान था जिन्होंने आप सबको दुख दिया है। और मेरी ये दिल से निकली हुई क्षमा मंजूर कीजिए हे आत्माओं, हे मेरे भाइयों बहनों, मुझे माफ कर दो। क्षमा, क्षमा, क्षमा। पापा भी इन आत्माओं में बल भर रहे हैं, क्षमा का बल। और धीरे धीरे सभी आत्माएं मुझे क्षमा कर रही हैं और सारे हिसाब किताब सूक्ष्म धागे सब चुक्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। बाबा की छत्र छाया में इन सभी आत्माओं को शांति और सुख की किरणें मैं फरिश्ता प्रदान करता हूं। और इन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भी दिखाता हूं। अब दूसरी ओर मैं और बाबा इमर्ज करते हैं उन सभी आत्माओं को जिन्होंने मुझे दुख दिया, परेशान किया, धोखा दिया। और उनके संस्कारों को, कर्मों को, उनकी बातों को पकड़कर
मैंने स्वयं भी दुख लिया। और आज इन सभी आत्माओं को मैं दिल से माफ करता हूं। हर हिसाब किताब से मुक्त करता हूं। सभी सूक्ष्म धागों को तोड़ प्यार की पवित्रता की किरणें प्रदान करता हूं। हे आत्माओं, मैंने आप सभी को क्षमा किया। जो कुछ भी हुआ वो बीत गया, वो ड्रामा में नूंद था। किसी की कोई भी गलती नहीं, कोई दोष नहीं। जो हुआ वो होना ही था। और अब बाबा का हाथ पकड़ तीसरी ओर मैं उन आत्माओं को इमर्ज करता हूं बाबा के साथ, जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं सहयोग दिया। मधुबन में सेंटर पर घर में आसपास रहने वाली सभी आत्माएं जिन्होंने मुझे सहयोग दिया यात्रा के समय, कार्य क्षेत्र पर, और आज मैं इन सभी आत्माओं को दिल से धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और प्यार भरी दृष्टि से इन सभी आत्माओं को देख रहा हूं। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ड्रामा, वाह। इन सभी के सहयोग से आज मैं मेरे बाबा के साथ हूं। और अब इन्हें सहयोग दे रहा हूं, जीवन मुक्ति और मुक्ति का रास्ता दिखाकर। पवित्रता की किरणें प्रदान करके हम चलते हैं चौथी ओर, उन सभी आत्माओं को इमर्ज करते हैं जो आने वाले समय में किसी ना किसी रूप से मेरे सामने आएंगी। सहयोग देने के लिए या किसी हिसाब किताब को चुक्त करने के लिए। बाबा की छत्र छाया में
उनकी किरणों को लेते हुए मैं फरिश्ता इन सभी आत्माओं से पहले से ही क्षमा मांगता हूँ और सबको क्षमा करता हूँ। सबके साथ अपना हिसाब किताब चुक्त करता हूँ। और ये सभी आत्माएं पहले से ही शांत हो रही हैं, प्रेम की किरणों से, पवित्रता की किरणों से, शीतल हो रही हैं। और अब मैं बाबा का धन्यवाद करता हूँ, जिनके साथ, जिनकी छत्र छाया में, जिनके सहयोग से इन सभी आत्माओं के साथ आज मेरे सारे हिसाब किताब चुक्त हो गए। और बाबा को गले लगाते हुए, बाबा का धन्यवाद करते हुए, प्रेम भरी दृष्टि लेते हुए उड़ चलता हूँ मैं फरिश्ता साकार दुनिया में, पुरानी देह में, निमित बनकर अपना पाठ बजाने। ओम शांति। हर शिव की